CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। पाठ 9, टिकट एल्बम, पृष्ठ संख्या 59। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। पर लड़के भला कहां उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। पृष्ठ संख्या 60। और तो और, कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। पृष्ठ संख्या 61। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और, अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहां थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, राजप्पा ने शान बघारी। पृष्ठ संख्या 62। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छिड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास, राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो, कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं।
सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। पृष्ठ संख्या 63। भैया शहर गया है? अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया? उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भेड़ लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। पृष्ठ संख्या 64। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा DSP के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था।
यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे, बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस, राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे? नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। पृष्ठ संख्या 65। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। एक मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूं, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार, नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूं, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे? कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। पृष्ठ संख्या 66। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने, नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहां से, वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूं, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। लेखक सुंदरा रामस्वामी, तमिल से अनुवाद सुमति अय्यर। पृष्ठ संख्या 67। प्रश्न अभ्यास। कहानी से। एक, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? दो, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? तीन, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? चार, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? पांच, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? कहानी से आगे। एक, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं।
तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। 2. टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? 3. इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोचकर लिखो। 4. कई लोग चीजें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। अनुमान और कल्पना। 1. राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? 2. कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताओ। भाषा की बात। यहां दिए गए शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। खोसना, जमघट, टटोलना, कुढ़ना, ठहाका, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी, तारीफ। 2. कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों, नकारात्मक विशेषण को छांटकर लिखो। उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। पृष्ठ संख्या 68। कुछ करने को। 1. मान लो कि स्कूल में तुम्हारी कोई प्रिय चीज खो गई है। तुम चाहते हो कि जिसे वह चीज मिले वह तुम्हें लौटा दे। इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस तैयार करो जिसमें ये बिंदु हों। क, खोई हुई चीज। ख, कहाँ खोई। ग, मिल जाने पर कहाँ लौटाई जाए। घ, नोटिस लगाने वाले या वाली का नाम और कक्षा। 2. डाक टिकटों के बारे में और जानना चाहो तो नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित पुस्तक डाक टिकटों की कहानी पढ़ो। सुनना सुनाना। 1. राजप्पा और नागराजन की तरह क्या तुम भी कोई शौक रखते हो? उससे जुड़े किस्से सुनाओ। 2. कुछ कहानियां सुखांत होती हैं और कुछ कहानियां दुखांत। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत, बताओ। बोलते चेहरे। कुढ़ता चेहरा, ईर्ष्यालु चेहरा, घमंडी चेहरा, अपमानित चेहरा, भूखा चेहरा, चालबाज चेहरा, भयभीत चेहरा, रुआंसा चेहरा। इन भावों को अभिव्यक्त करके दिखाओ। अभी आप सुन रहे थे ये पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।